अगर आपने अभी तक हमारा सैम मुंडे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको बेल आइकन दबाकर उसकी नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे जियो के एक नए प्लान के बारे में। उसे नया तो नहीं कह सकते, लेकिन उसे अपग्रेड किया है और हमारे जेब से थोड़े से पैसे ढीले होने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा हमें पैसे देने पड़ेंगे उस प्लान के लिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक सैम मुंडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सैम मुंडे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम हमारे प्लान पे आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पहला प्लान था अभी 2020 जब स्टार्ट हो गया था, तब आपको यहाँ पे नए साल का एक तोहफा दिया था जियो ने। यहाँ पे 2020 यहाँ पे उन्होंने इस प्लान को जैसे किया था, लेकिन अभी यहाँ पे उसे चेंज किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2121 रुपये का आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। पहले आपको 2020 रुपये देने पड़ते थे इस प्लान के लिए, वही आपको यहाँ पे वैलिडिटी 365 दिन मिलती थी, अभी यहाँ पे 336 दिन वैधता मिल जाती है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको यहाँ पे इस प्लान के बारे में थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन किया गया है जियो की तरफ से। उसी प्रकार से अगर बेनिफिट की बात करें तो इसमें आपको जियो टू जियो अनलिमिटेड कॉल दी गई है, यानी जियो टू जियो आप अनलिमिटेड कॉल कर सकते हैं। उसके साथ आपको नॉन जियो के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ 12,000 मिनट्स दी गए हैं, यानी 12,000 मिनट्स आपको यहाँ पे 336 दिनों तक यूज़ करने पड़ेंगे। तो इनको कैलकुलेट किया जाए तो आपको देख सकते हैं। उसके साथ आपको 100 SMS भी दिए गए हैं, इसमें डे के 100 SMS दिए गए हैं, और जो जियो के सब्सक्रिप्शन होते हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे फ्री में दिए गए हैं। तो लगभग यहाँ पे टोटल आपको यहाँ पे जो डेटा मिलने वाला है तो यहाँ पे 504 GB आपको यहाँ पे डेटा मिलने वाला है। और उसके साथ आपको यहाँ पर अगर इसका रेट खत्म होने के बाद अगर इसमें 64 KBPS से आप उसमें स्पीड पा सकते हैं, लेकिन इसके डेली की आपको यहाँ पे जो लॉक दिया गया है वो या 1.5 GB हो दिए गए हैं। सिर्फ आप दिन में सिर्फ 1.5 GB ही इस्तेमाल कर सकते हो। 1.5 GB ख़त्म होने के बाद आपको यहाँ पे अनलिमिटेड डेटा 40 KBPS से आपको यहाँ पे मिल जाता है, यानी 64 KBPS से आपको यहाँ पे डेटा मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से व्हाट्सअप यूज़ करने के लिए ज़्यादा कुछ हेवी काम करने के लिए तो नहीं होगा, लेकिन चल जाता है अगर आपको डेटा ख़त्म होने के बाद आपको ज़्यादा इंटरनेट की या फिर डेटा की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो इस प्लान में इस बारे में आपको 1.5 GB को ही आपको दिन में आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ पे 2121 रुपये देने पड़ेंगे और इसके साथ आपको उसकी वैलिडिटी आपको यहाँ पे लगभग 336 दिनों मिल जाती है। और उसके साथ 336 दिनों तक आप यहाँ पे नॉन जियो टू जियो फ्री कॉल कर सकते हैं, यानी अनलिमिटेड कॉल कर सकते हैं। और उसी प्रकार से अगर आप नॉन जियो कर सकते हैं तो इसमें आपको यहाँ पे 1200 मिनट्स दिए गए हैं, यानी 1200 मिनट्स आपको 336 दिनों तक यूज़ करने पड़ेंगे। तो इनमें से कैलकुलेशन किया जाए तो आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा बेनिफिट तो इस प्लान में नहीं होगा, लेकिन आप अगर आपको जियो की तरफ से आपको ज़्यादा आपके यूज़र जियो के हैं तो आप उसे स्विच कर सकते हैं जियो की तरफ और अनलिमिटेड कॉलिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अभी तक सैम मुंडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।